अस्सलाम वालेकुम आई ट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको भी अच्छा रखे और हमें सबको भी अच्छा रखे। तो गाइस, सैरी का वक्त ख़त्म हो रहा है, देखिए 4:35 हो गए हैं और सायरन भी बोलने लगा है। देखिए विंडो से बाहर आपको आवाज़ आ रही होगी, सायरन बोलने लगा है। मैंने वज़ू करके और नमाज की तैयारी कर रही हूँ बस, कि अज़ान होगी तो बस मैं नमाज़ पढ़ती हूँ। आज गाइस मुझे थोड़ा लेट हो गया ऊपर आने में, वैसे मैं 6 बजे तक आ जाती हूँ और मैं कुरान शरीफ पढ़ रही थी तो मैंने सोचा अभी थोड़ी देर में जाऊँगी। तो आज दिन निकल आया है, देखिए बादलों में रोशनी नज़र आ रही है और इधर भी देखिए आप चांद भी चमक रहा है। अब मैं थोड़ी देर वॉक करूँगी फिर मैं जाकर नीचे सो जाऊँ, फिर आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह सुबह। आज कौवा बोल रहा है कोई आएगा, कौवा बोल रहा है आज, हमारे कबूतर आ गए। यहाँ पर मैं वॉक कर रही थी क्योंकि नमाज़ पढ़ने के बाद मैं थोड़ी देर छत पर आकर वॉक करती हूँ और वॉक करने के बाद फिर थोड़ी देर के बाद मैं नीचे जाकर फिर सो जाती हूँ, फिर सुबह ही उठती हूँ। देखिए मैं सबमर्सिबल चलाती हुई आई थी और टंकी भी भर गई है, अब मैं जाके जल्दी से बंद कर देती हूँ। अब हमारे सुबह के सारे काम स्टार्ट हो गए हैं, अब मैं सारे काम करती हूँ। अभी घर को भी क्लीन नहीं करा है मैंने, अभी करते हैं हम घर को क्लीन। देखिए हमारा सब पूरा रूम ऐसे ही फैल रहा है सब कुछ, अब हम क्लीन करते हैं घर, उसके बाद आपसे मिलते हैं नमाज़ पढ़ने के बाद आपसे मिलूँगी मैं। गाइस यहाँ पर हमारे सारे काम हो गए थे और मुझे अभी कहीं जाना है तो बस मैंने नमाज़ पढ़ ली है और अब मैं रेडी होने के लिए जा रही हूँ। आज भी ये बैठे हैं हमारे, आज को भी मेडिसिन दे दी मैंने, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों की दुआओं की वजह से पहले से बहुत बेहतर है और अल्लाह ने चाहे तो और सही हो जाएगा बहुत जल्दी। और देखिए गाइस यहाँ पर आज इतने दिन से छत पर नहीं जा रहे थे ना, तो देखिए छत पर कितनी पतंगे कट कट के आई हैं। रोज़ सुबह में सहरी में बच्चे पतंगे उड़ाती हैं तो ये छत पे आके गिर जाती हैं पतंगे। अब आज आज छत पे गए थे तो देखिए आज की कितनी कितनी ढेर सारी पतंगे इकट्ठी हो गई, आज छत पे से लेकर आएंगी सारी पतंगे। और मैं ऐसे कह रही हूँ इसे उड़ाना मत, तभी तुम्हारी बिल्कुल सही हो जाओ। तो वैसे आज को पतंगे उड़ाते नहीं हैं, पहले शौक़ था इसे, अब तो आज को बैट बॉल क्रिकेट का है, बस क्रिकेट का शौक़ लग गया। यानी कि मैं बड़े हो गए ना, मम्मी अकेडमी में मेरा एडमिशन करा देना और मैं क्रिकेटर बनूँगा। तो मैंने कहा चलो जो तुम्हारा दिल चाहता है, जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है, मैं तुम्हें वही तुम्हारा शौक़ पूरा करूँगी, लेकिन सही वाला शौक़, गलत वाला कोई नहीं। और पढ़ो लिखो, नमाज़ पढ़ो, कुरान शरीफ पढ़ो और बस आप सब दुआओं में याद रखिए। मैं भी रोज़ाना ही सबके लिए, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं सबके लिए मैं दुआ करती हूँ अल्लाह ताला से, और आप सभी हमारे लिए दुआ करें क्योंकि रमज़ान का इतना बरकती महीना चल रहा है, ये अल्लाह की रहमतें बरस रही हैं। तो बस जितनी हो सके अल्लाह की इबादत कर लें और अल्लाह से ज़्यादा दुआएं मांग सकें और अल्लाह से तौबा इस्तग़फ़ार करें। तो बस मैं भी अब निकल रही थी, रेडी हो रही हूँ मैं भी और अर्शको भी रेडी करती हूँ, और घर के सारे काम मेरे हो चुके थे। तो अब 4 बज रहे हैं, फिर उसके बाद हम जहाँ भी जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं मैं वहीं पहुँच के आपको बताऊँगी। और देखिए आज मैंने अपने ये वाले देखिए कपड़े पहनूंगी आज मैं, ये सूट है मेरा, हल्का है बहुत क्योंकि गर्मी में मोटे कपड़े पहने नहीं जाते, तो मैं ये वाला सूट पहन रही हूँ। और देखिए अर्श को पहना रही हूँ मैं ये, अर्श की टी शर्ट है और ये है अर्श का ब्लैक पैंट। तो बस फिर चलते हैं और वहीं पहुँच कर आपसे मिलते हैं। गाइस देखिए अब मैं जाने के लिए रेडी हो गई हूँ,
और मैं और अर्श हम दोनों जा रहे हैं। अब हम वहीं पहुंच के आपसे मिलते हैं। देखिए गाइस, अब मैं यहाँ पहुंच गई थी और शाबान भी आए हुए थे, और शाबान आज गए थे डॉक्टर की क्योंकि इन्हें हो रहा था कोल्ड। और ये डॉक्टर के यहाँ से आए थे तो ये जो पंखा होता है ना, ये लेकर आए थे। अब ये उससे खेल रहे थे और मुझे दिखा रहे थे। जब इनका मूड होता है तो कहते हैं कि नाज़मा खाला मुझे व्लॉग में ले लो, मेरी वीडियो बना लो, और जब इनका मूड नहीं होता तो ये बिल्कुल भी आना पसंद नहीं करते। अब ये अपने मूड में हैं और खेल रहे हैं। बस ये थोड़ी देर ही रुके थे यहाँ पर और फिर ये भाग गए थे। बस बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, जैसा उनका दिल चाहता हो वैसा ही करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा बच्चा है और ये बहुत ही अच्छी बातें भी करता है। अब देखिए ये अपनी खेल रहे थे, खेलते खेलते इन्होंने ये तोड़ के भी फेंक दिया था। मैंने बनाया था ये बहुत ही स्पाइसी लोबिया, और मेरी जो बहन है उसने बनाया था कस्टर्ड। उसके लिए देखिए उसने ये स्ट्रॉबेरी और बनाना कट किया था, और यहाँ पर वही रोज़ की तरह आलू प्याज की पकौड़ी, पापड़, और ये साबुदाना भी बना था, और ये सिवैये भी उसी ने बनाई थी मेरी बहन ने। ये भी बहुत ही टेस्टी थी, बहुत ही अच्छी बनी थी। उसके बाद देखिए यहाँ पर इफ्तार का टाइम, अज़ान हो गई थी, इफ्तार का टाइम शुरू हो गया था और सब लोग यहाँ इफ्तार कर रहे थे, और सब भी माशाल्लाह इफ्तार बहुत अच्छा बना था। अब देखिए गाइस, मैं घर के लिए निकल चुकी हूँ, और देखिए रमज़ान शरीफ की कितनी रौनक है कि इतनी रात को भी पूरी मार्केट ओपन है, और बहुत अच्छा लगता है रमज़ानों में। अल्लाह ताला की बरकत होती है हर चीज़ में। और गाइस, इस व्लॉग का एंड मैं यहीं करती हूँ। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। गाइस, आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करें।